लगे कि राजा बलि धनी और धन में स्वामी सेवक का नाता होता है, लेकिन महाराज इन दोनों में से सबसे बड़ा धनी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर कमलों से दान करता है। तो महाराज जो दान करता है वही सबसे बड़ा धनी कहलाता है। तो आज जवाब दिया है कि प्रभु बस इतना ही हमें आपसे पूछना था और अब हमें समझ में सब कुछ आ गया। आपका जो दृढ़ बचा है मैं इसको चुका करके रहूंगा कि तीन कदम में आपने तीनों लोकों को नाप लिया, धन को नाप लिया, और आधे कदम में आप हमें नाप लो। आधे कदम में ये धनी आ जाएगा महाराज। जो ये शब्द राजा बलि ने कहे तो उसी समय भगवत श्रोताओं क्या हुआ, आज जवाब दिया भगवान विष्णु ने कि राजा बलि मैं इसी भाव का भूखा था, अब तो कुछ मांगने की चाहने की इच्छा नहीं है। और जवाब दिया है आज उसी समय राजा बलि प्रभु के चरणों में अपने मस्तिष्क को झुका करके बैठ गया है। तो महाराज क्या हुआ, भगवान ने जवाब दिया राजा बलि कि मैं इसी भाव का भूखा था और जिस कारण बना भिखारी था। भगवान कहने लगे कि राजा बलि मैं इसी भाव का भूखा था जिसके कारण मुझे भिखारी बनना पड़ा, पर महाराज अब आप हमसे जो कुछ भी मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो आज 22 समय पर राजा बलि कहने लगे कि प्रभु आप खुद हमारे दरवाजे पर भिखारी बन करके आए हो और आपने खुद ही हमसे दान मांगा है, अब आप कह रहे हो कि मैं आपसे कोई वरदान मांग लूं, तो मैं भिखारी से क्या वरदान मांगूंगा जो हमारे दरवाजे पर खुद भिखारी बनकर के आया है। तो आज महाराज जवाब दिया है राजा बलि ने कि आज्ञाकारी कुछ आज्ञा दे और यह नई नीति की आज्ञा है, और मैं लेना कुछ ना चाहता हूँ दे दे जाओ हर इच्छा है।
बलवान बुद्धि में चक्कर महाराज जवाब।